हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आज आप लोग सो के बीएड के बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो गया जो चीज़ है उसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। देखिए, पहली बात है कि अब बीएड फर्स्ट ईयर का जो है बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में हम बता रहे हैं, या बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है उनके बारे में भी हो सकता है। देखिए, अब बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा। जो हम लोग में कन्फ्यूजन था कि हम लोग प्रमोट होंगे, तो प्रमोट हम लोग नहीं किए जाएंगे, मतलब एग्ज़ाम होगा। क्यों होगा, इसके पीछे भी कारण है। देखिए, प्रमोट करना रहता तो अभी तक कर दिया रहता, ठीक है? तो इसीलिए इतना आप जान जाइए कि प्रमोट करना रहता तो कर दिया रहता, प्रमोट हम लोग नहीं करेगा और हम लोग का एग्ज़ाम होगा। और देखिए, और एक और कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, कि 2 घंटा या 3 घंटा होगा। तो याद रखिए, हम लोग का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और 3 घंटा का ही होगा, ठीक है? ये कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा है कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, हम लोग सब्जेक्टिव पढ़े हुए हैं। तो इतना कंफर्म रखिए कि हम लोग का क्या कैसा एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्टिव होगा और 3 घंटा का होगा, मतलब जो पेपर 3 घंटा का हो, 3 घंटा का होगा। तो चलिए, ये टॉपिक है दर्शन क्या है, इसके विभिन्न शाखाओं का वर्णन करें, विभिन्न उसके ब्रांच कौन कौन है। ये हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है वो कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन है, उसी का ये यूनिट 3 का है, मतलब पेपर 2 हम लोग का जो है, जो C2 हम बोलते हैं, कोर्स 2, उसी का यूनिट 3 का क्वेश्चन है। देखिए, इस बार जो बिहार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आने की एकदम बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि इससे जो 19 में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन था कि दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार बहुत ज़्यादा चांस है आने का कि दर्शन क्या है, इसके विभिन्न शाखाओं का वर्णन करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है। मतलब मानव क्या है, एक चिंतनशील, मतलब चिंतन, समझते हैं ना, कि कोई समस्या के बारे में जो हम उसके समाधान के लिए अथी करते हैं, उसी उसको मतलब समाधान को बोल सकते हैं कि खत्म करने के लिए जो चीज करते हैं वही क्या होता है, चिंतन होता है। तो क्या लिखा है कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है तथा मानव जीवन स्वयं एक क्या है, दर्शन है। मतलब मानव जीवन ही स्वयं क्या एक दर्शन है। हम जानते हैं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है। मतलब हम जानते हैं कि संसार, मतलब दार्शनिक का मतलब क्या हो, जो किसी विषय के बारे में चिंतन कर सके वही क्या होता है, दार्शनिक होता है। मतलब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये सब मतलब क्या है, दार्शनिक, मतलब किसी कोई भी समस्या के बारे में क्या करना, ये चिंतन करना, मतलब कोई चीज़ के बारे में, वही क्या होता है, दार्शनिक होता है। तो वही चीज़ लिखा गया है कि हम जानते हैं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य क्या है, दार्शनिक है, क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को अनुभव करता है, फिर उस पर चिंतन और मनन करता है। मतलब क्या लिखा हुआ है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य क्या है, दार्शनिक है, क्योंकि वह क्या है कि वह जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाले सभी घटनाओं को अनुभव करता है तथा उस पर क्या करता है, चिंतन करता है, और फिर वह किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। मतलब जब उस पर चिंतन करेगा तो कुछ न कुछ उस पर निष्कर्ष पर पहुंच गए। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए अभी कोरोना का सबसे ज्यादा मतलब समस्या है, इसको निपटने के क्या बहुत इस पर शोध रिसर्च चल रहा है। जब वैक्सीन आ जाएगा फिर उस पर क्या होगा, एक निष्कर्ष पर पहुंच गया, वैक्सीन आ जाएगा फिर सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि घटनाओं को अनुभव करते हैं, फिर उस पर चिंतन और मनन करते हैं, और फिर किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और इन्हीं निष्कर्ष के आधार पर वो अपने विश्वासों, आदर्शों तथा धारणाओं का निर्माण करते हैं। मतलब उसी निष्कर्ष के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने विश्वासों, आदर्शों तथा धारणाओं का निर्माण करते हैं। फिर लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि दर्शन ही हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। मतलब जो दर्शन है वही क्या करता है कि हमारी सत्य के प्रति क्या करता है, जिज्ञासा की, मतलब देखिए जिज्ञासा क्या होता है, कोई चीज़ को जानने की इच्छा, और कोई चीज़ जानने की इच्छा कब हमारी शांत होगी, जब हमें सत्य की, मतलब उस चीज़ के बारे में सही सही हमको जानकारी मिल जाएगी। तो ये चीज़ कह रहा है कि हम जानते हैं कि दर्शन ही क्या है, हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। अतः मनुष्य के अंदर तथ्यों को जानने, मतलब तथ्यों मतलब होता है फैक्ट, फैक्ट होता है, तथ्यों को जानने की जिज्ञासा, संदेह एवं आत्मिक अशांति रहती है। जैसे ही मनुष्य जान लेता है तो उसे संतुष्टि अनुभव होती है। मतलब कह रहा है कि जैसे हमें कोई जिज्ञासा है कि मतलब मान लीजिए कोई चीज़ जानना है किसी के चीज़ के बारे में, मान लीजिए कि कोई चीज़ क्यों हो रहा है। जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल आप फिजिक्स में देखते होंगे, तो न्यूटन था तो वो पेड़ के नीचे था, सेब के पेड़ के नीचे, तो क्या हुआ कि देखा कि जो पेड़ से जो सेब गिर रहे हैं वो नीचे ही क्यों गिर रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं रुक जा रहे हैं, या ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो क्या किया,
कि मतलब उसमें जिज्ञासा आती, तो जिज्ञासा जब उसको हो गया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण होता है कि पृथ्वी कोई वस्तु को नीचे खींचती है, तो एक उनका जिज्ञासा शांत हो गया। तो वही क्या है, तो वही चीज कह रहा है कि दर्शन से ही हमारी सत्य की प्रति जिज्ञासा की पूर्ति होता है। अतः मनुष्य के अंदर तत्वों को जानने की जिज्ञासा, संदेह एवं आत्मिक अशांति रहती है। जैसे ही मनुष्य को जान लेता है, उसे क्या होती है, संतुष्टि की प्राप्ति हुई। मतलब न्यूटन को संतुष्टि की प्राप्ति हो गई। यही क्या है, दर्शन है। मतलब दर्शन क्या है कि जैसे हमको संतुष्टि की प्राप्ति हो गई कोई चीज के, मान लीजिए दर्शन समझिए, सिंपल आप बोलिएगा। देखिए कोई चीज, मान लीजिए कोई समस्या, जैसे न्यूटन के सामने क्या था कि पेड़ से क्यों फल गिरा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, मतलब एक जिज्ञासा थी। तो उसमें इस चीज को जानने की इच्छा हुई कि क्यों गिर रहा है और क्यों नीचे ही आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो इस चीज को वो जान लिया कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो उसमें क्या हो गया कि अब मतलब सर्टिफिकेशन हो गया कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जब ये सब जो जितना प्रक्रिया होता है उसी को क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है कि स्वप्नहार नामक दार्शनिक ने कहे थे कि हर व्यक्ति जमदार दार्शनिक होता है। आपसे एक डायरेक्ट मतलब कोटेशन उनका पूछा जा सकता है कि कौन मनोवैज्ञानिक या कोई कौन दार्शनिक ने बताया था कि हर व्यक्ति जमदार दार्शनिक होता है। मतलब जन्मदात मतलब बाई बर्थ, मतलब जन्म से मतलब जन्मजात दार्शनिक होता है। तो स्वपन हार बोलते हैं उनको, अति दार्शनिक का नाम है। आइए अब देखते हैं दर्शन का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिलोसफी। लिखा हुआ है कि दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द फिलोस और सोफिया से हुआ है। मतलब बोला जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। फिलोसफी शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द फिलोस और तथा सोफिया से हुआ है। मतलब जो फिलोसफी शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुआ है, फिलोस और सोफिया से हुआ है, जिसमें फिलोस का अर्थ होता है प्रेम तथा सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम करना। मतलब नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ज्ञान से प्रेम करना। इंग्लिश में बोलेंगे लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम, याद रखें। देखिए यहाँ पे कुछ चीज लिखा हुआ है ऊपर में, आप देखिएगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में, देखिए बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है कि मानव मन ही जिज्ञासा है। मतलब मानव जो मन है, जो मस्तिष्क हम लोग के है, वो क्या है, जिज्ञासा है। मतलब कोई चीज की जानने की इच्छा होती है उसको, जिज्ञासा, मानव मन ही जिज्ञासा ही चिंतन को और चिंतन ही दर्शन को जन्म देती है। देखिए कह रहा है कि जो मानव मन की जिज्ञासा है ना, वो चिंतन को जन्म देती है। मतलब मानव मन की जो जिज्ञासा है, मतलब कोई चीज की जानने की जो इच्छा होती है, वो क्या है कि चिंतन को, और चिंतन उस पर करना है कि ये चीज क्यों होती है। और चिंतन ही क्या करती है, दर्शन को जन्म देती है, जो हमारा सिद्धांत तो बन जाता है उसके प्रति, वही क्या होता है, दर्शन होता है। बहुत अच्छा बात लिखा है कि मानव मन की जिज्ञासा ही चिंतन को, और चिंतन ही किसको जन्म देती है, तो दर्शन को जन्म देती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के साथ साथ नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा वह कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहते हैं। मतलब कोई चीज के बारे में जो इच्छा होती है, मतलब जिज्ञासा किसे बोलते हैं, मतलब कोई चीज, मतलब जो बच्चा होता है या वैज्ञानिक होता है, उसे क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति को होता है। मतलब कोई चीज के बारे में क्या होती है, इच्छा होती है। तो वही चीज प्लेटो बोल रहे थे अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के साथ नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा वह कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं, दार्शनिक कहते हैं। देखिए अब लिखा है दर्शन का विशिष्ट अर्थ। देखिए विशिष्ट या अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन जानने के प्रयास है। देखिए अमूर्त चिंतन क्या होता है, देखिए चिंतन एक होता है मूर्त चिंतन, एक होता है अमूर्त चिंतन। देखिए मूर्त चिंतन जो आपके सामने है उस पर आप चिंतन करना है, मान लीजिए गाय हुआ, कुत्ता हुआ, उसको देख के आप बोल सकते हैं कि इसके दो पैर है, उसके बारे में जो चीज आप बता रहे हैं, चिंतन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में कोई चीज बताना, तो उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन का मतलब सोचना होता है। तो ये क्या हुआ, उसके देखे हुए हैं। मान लीजिए कि आप अमेरिका नहीं गए हुए, ठीक है, आप भगवान को नहीं देखे हुए, मतलब ऐसा चीज अमूर्त क्या होता है, जो आप उस जो आप चीज वो देखे नहीं है, मतलब जो दिखाई ना दे, मतलब जो चीज देखे नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। अमूर्त क्या होता है, जो चीज आप देखे हुए, मान लीजिए आप दिल्ली घूमे हुए हैं, दिल्ली के बारे में आप चिंतन कर रहे हैं,
तो आप सोचिएगा यहाँ पे लाल किला था, यहाँ पे दिस डेट था, तो वो क्या है कि मूर्त चिंतन हुआ। मूर्त चिंतन क्या हुआ कि मान लीजिए आप अमेरिका नहीं गए हुए और अमेरिका के बारे में आप चीज सोच रहे हैं कि यहाँ पर मतलब वाशिंगटन डीसी में ये था वो था, मतलब ये सब चीज आप सोच रहे हैं, तो अमूर्त चिंतन होता है। तो वही चीज है कि विशिष्ट या अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ होता है अमूर्त चिंतन जानने के प्रयास है, जिसके द्वारा आत्मा आप तो आत्मा को नहीं देखते हैं, ईश्वर को नहीं देखते, प्रकृति तथा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का रहस्य जानने के जिज्ञासा से है। मतलब अमूर्त चिंतन के जानने के प्रयास से है, जिसके द्वारा क्या होता है आत्मा ईश्वर प्रकृति तथा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के रहस्य के जानने से इच्छा से है। जैसे मनुष्य क्या है, इस संसार की प्रकृति क्या है, मतलब नेचर क्या है, व्यक्ति इस संसार में क्यों आया है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु हम देख सकते नहीं देखते, क्या मृत्यु के पश्चात कोई और जन्म लेगा, मतलब मृत्यु के पश्चात फिर कैसा जन्म लेता है, किस में जन्म लेता है, जैसे बोला जाता है ना कि कोई आदमी मर जाता था फिर बहुत अति के बाद में फिर मनुष्य में जन्म होता है, ये सब चीज है। तो मतलब जो दर्शन का विशिष्ट अर्थ है उसमें क्या है कि अमूर्त चिंतन के बारे में जानना। अब देखते हैं दर्शन का व्यापक अर्थ। देखिए दर्शन का व्यापक अर्थ ये होता है कि वे सभी व्यक्ति दार्शनिक है जो सत्य की खोज किसी न किसी रूप में करते हैं। मतलब देखिए आप यहाँ सिर्फ याद रखिएगा कि विशिष्ट अर्थ का मतलब क्या होता है कि अमूर्त चिंतन के बारे में जानना, मतलब जो अमूर्त चीज है उस पर क्या करना कि सोचना, मतलब चिंतन करना। और विशिष्ट तो हो गया। व्यापक अर्थ का अर्थ होता है कि दर्शन का व्यापक अर्थ क्या होता है कि वे सभी व्यक्ति दार्शनिक है जो क्या है कि सत्य की किसी न किसी रूप में खोज करते हैं। दर्शन के व्यापक अर्थ से ही यह स्पष्ट होता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात क्या है, दार्शनिक होता है, क्योंकि वो सत्य का खोज करता है, कोई ना कोई रूप में जरूर सत्य का खोज करेगा, इसीलिए क्या है जन्मजात दार्शनिक है। अतः संसार का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक के रूप में सत्य की खोज करने में उत्सुक होता है, मतलब सत्य को जानना सबको है। जैसे आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए अभी सुशांत सिंह राजपूत मैटर चल रहा है, तो क्या है कि इसका सत्य सब जानना चाहता है कि किसका क्या रीजन है, मर्डर है या सुसाइड है, मतलब ये सब, मतलब जितने भी भारत के जनता है वो क्या है कि सत्य को जानना चाहते हैं, किसका मतलब सत्य क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज है, वही चीज, मतलब वही चीज कहना है। आप एक चीज हम बोले हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, दार्शनिक है, तो क्या है कि सबको सत्य को सत्य चाहिए, मतलब सबको क्या करना चाहिए कि इसका क्या रहस्य है, कैसे इसको मतलब, तो वो सब चीज मतलब प्राप्त होना चाहिए। तो वही चीज कहा गया है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति क्या है, दार्शनिक है। आइए अब देखते हैं दर्शन की परिभाषा। देखिए विभिन्न दार्शनिक एवं शिक्षाविदों ने अपने चिंतन एवं मनन के आधार पर दर्शन के निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। देखिए पहला है रेसल के अनुसार, देखिए रेसल बोल रहे हैं कि अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है, ज्ञान की प्राप्ति। मतलब अन्य क्रियाओं के अनुसार, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, कोई कोई क्रिया कर्म करता है कुछ, मतलब तो हम कोई भी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें नॉलेज प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही चीज बोला जा रहा है रसल के अनुसार कि अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा डिफिनेशन है फिक्टे के अनुसार, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। मतलब दर्शन क्या है, देखिए विज्ञान सॉरी ज्ञान आपको हर जगह आएगा दर्शन में, तो दर्शन क्या है, ज्ञान का विज्ञान है। स्पेंसर के अनुसार है डिफिनेशन कि दर्शन एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में प्रत्येक से संबंधित है। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि सभी जगह, कि वो अमेरिका में भी होगा, इंडिया में भी होगा, जापान में भी होगा, रूस में भी होगा, मतलब सब जगह होगा। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, मतलब सभी जगह। तो वही चीज बोला जा रहा है कि दर्शन एक क्या है कि सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में प्रत्येक से संबंधित है। चौथा है प्लेटो के अनुसार कि पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। मतलब सही, मतलब क्या, मतलब सत्य बोल सकते हैं कि पदार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, दर्शन है। देखिए अब दर्शन की विभिन्न शाखा हमको पढ़ना है कि दर्शन के विभिन्न शाखा क्या है। देखिए दर्शन के मुख्य रूप से तीन शाखा है, मुख्य रूप से आप बोलिएगा तो पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा का है ज्ञान मीमांसा, और तीसरा का क्या है मूल मीमांसा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है कि दर्शन के कौन कौन मूल शाखा है, तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा, आप याद रखिएगा। देखिए तत्व मीमांसा का अर्थ होता है वास्तविकता के ज्ञान, मतलब क्या मतलब वास्तविकता है, मतलब रियलिटी क्या है उसकी।
कोई चीज की। मतलब तत्व मीमांसा का मतलब क्या होता है कि वास्तविकता का ज्ञान। ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान का सिद्धांत बोल सकते हैं, मतलब ज्ञान का क्या मतलब कैसे उद्गम हुआ, इसे चिन्ह लिखा लिखा हुआ कि ज्ञान का सिद्धांत। और तीसरा है मूल मीमांसा, मतलब मूल के सिद्धांत कौन कौन से मूल है वो चीज सब हमको पढ़ना है। आइए अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन चीज है, कि तत्व मीमांसा में कौन कौन चीज शामिल होता है। देखिए पहला है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो तत्व मीमांसा में आता है धर्मशास्त्र, मतलब वास्तविकता कैसे है, फिर सत्ता शास्त्र, फिर ब्रह्मांड शास्त्र, सृष्टि शास्त्र और आत्मदर्शन। आत्मदर्शन आता है। और देखिए इसमें आता है आपको ज्ञान मीमांसा में ज्ञान का उद्गम कैसे हुआ, ज्ञान के प्रकार कौन कौन है, ज्ञान की विधियाँ क्या है, इसमें ये सब चीज़ पढ़ना है। फिर ज्ञान की वैधता क्या है, फिर दिखा ज्ञान का स्रोत क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको मतलब ज्ञान मीमांसा में है। और मूल मीमांसा है तर्क शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र क्या है, शोधन शास्त्र क्या है, ये सब चीज़ है। देखिए अब आपको बताते हैं थोड़ा इसमें एक उगान सॉरी छठा है युगांतर विज्ञान। अब इस सब को थोड़ा हम डिफाइन करने की यहाँ पर था ना कि धर्म शास्त्र क्या है, सत्ता शास्त्र क्या है, इस सब को थोड़ा हम बताते हैं क्या है। देखिए धर्म शास्त्र क्या होता है, इसमें ईश्वर के अस्तित्व का अध्ययन किया जाता है। मतलब धर्म शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ईश्वर के अस्तित्व का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है किसका अध्ययन हम करते हैं, तो ईश्वर के अस्तित्व का। दूसरा है सत्ता शास्त्र, उसमें क्या जाता है कि इसमें जीवन के अंतिम वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। मतलब सत्ता शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवन के वास्तविक अंतिम जो होता है वास्तविकता उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा है ब्रह्मांड शास्त्र, इसमें है कि इसमें सृष्टि के रहस्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है ब्रह्मांड शास्त्र में कि इसमें सृष्टि का कैसे रहस्य हुआ उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब ब्रह्मांड शास्त्र और सृष्टि दोनों एक दूसरे से मतलब रिलेटेड ही है। अब कोई इसमें से कोई एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दोनों एक जैसा ही है। सृष्टि शास्त्र क्या है कि इसमें ब्रह्मांड के उद्गम के सिद्धांत के बारे में, मतलब वही सृष्टि और ब्रह्मांड एक ही हुआ, आप इसमें से कोई एक लिख सकते हैं, आप एक हटा सकते हैं, यहाँ पर एक ही कोई मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं आत्मदर्शन, जानवे करते हैं कि अपने बारे में जो दार्शनिक विश्लेषण करते हैं वही क्या होता है, आत्मदर्शन होता है। जैसे मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, हम नहीं रहते तो क्या होता है, मतलब ये सब चीज जो सोचते हैं वही होता है। अब देखते हैं दर्शन की विशेषता है। देखिए पहला है विशेषता कि दर्शन एक जीवंत शक्ति है। जीवंत शक्ति मतलब हुआ कि जीवन से रिलेटेड, मतलब जीवन शक्ति है, मतलब जीवन से रिलेटेड। फिर क्या है दूसरा है कि दर्शन एक विस्तृत विचारधारा है, अर्थात सभी को निरपेक्ष रूप से सुनने की इच्छा है। मतलब दर्शन एक क्या है कि विस्तृत विचारधारा, मतलब बहुत बड़ा विचारधारा है, अर्थात सभी को निष्पक्ष रूप से सुनने की इच्छा है, मतलब कोई चीज के बारे में। तीसरा है दर्शन विचारों की प्राचीनतम एक मौख एक एवं मौ देखिए दार्शनिक मतलब है जो किसी के बारे में कुछ बताता है, मतलब बोल सकते हैं ज्ञानी टाइप का। दर्शन विचारों की क्या है प्राचीनतम एवं मौखिक क्या है शाखा है। फिर चौथा है कि दर्शन सत्य एवं वास्तविकता की खोज करता है, मतलब दर्शन क्या करता है, सत्य एवं वास्तविकता की खोज करता है। फिर पांचवा है दर्शन विचार प्रणाली के विभिन्न भागों के बीच संबंध दर्शाता है, क्रमबद्ध उपागम है, मतलब अप्रोच है। मतलब दर्शन क्या है विचार प्रणाली के विभिन्न भागों के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, मतलब दर्शाता है एवं क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक क्या है अप्रोच है। फिर छठा है दर्शन एक मानसिक गतिविधि है, मतलब इसमें सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है, इसीलिए क्या है कि मानसिक गतिविधि है। फिर लिखा है दर्शन जीवन एवं अस्तित्व के बारे में खोज पर आधारित है। फिर आठवां है कि दर्शन जीवन का मार्गदर्शन, मतलब एक मतलब हमें मोटिवेट मतलब बोल सकते हैं कि मार्गदर्शन भी करता है। नौवां है कि दर्शन ज्ञान एवं बुद्धि के लिए खोज करता है। और दसवां क्या है कि दर्शन जीवन के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देता है, मतलब जीवन से रिलेटेड जितने भी अंतिम प्रश्न होते हैं उसका क्या देता है, उत्तर देता है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में लिखा गया है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में दार्शनिक है। मतलब उपरोक्त विवरण से क्या स्पष्ट होता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपने आप में क्या है, दार्शनिक है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन दर्शन तथा अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। मतलब अपने अपने दर्शन, देखिए कोई आदमी मतलब होता है ना कि अपने एक सिद्धांत बना लेता है कि हमको ऐसे ऐसे मतलब जीना है, झूठ नहीं बोलना है। कोई आदमी कहता है कि नहीं हम झूठ बोल के गलत तरीके से ही पैसा कमाएंगे। बहुत आदमी का सिद्धांत क्या होता है, दर्शन मतलब वही सिद्धांत बोल सकते हैं
कि वो सोचता कि नहीं हम झूठ नहीं, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये सब क्या है, तो वही चीज बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है कि अपने जीवन दर्शन तथा अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन में, जैसे देखिए महात्मा गांधी थे सत्य एवं अहिंसा पर मतलब अपना पूरा जीवन यापन कर दिए, तो उनका अपना दर्शन था सत्य एवं अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना है, अहिंसा मतलब शांति से सब चीज करना है। बहुत आदमी को होता है कि नहीं कि हम मारपीट मतलब गाली गलौज ये सब नहीं करेंगे, मतलब आराम से रहेंगे समाज में, तो ये सब चीज सबका अपना अपना दार्शनिक जीवन होता है। फिर क्या है, तो अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। हम जानते हैं कि बिना दर्शन के जीवन व्यतीत करना होता है, मतलब आप में कोई सिद्धांत नहीं हो मतलब कि हम कैसे रहना है कैसे जीना है, तो क्या है कि जीवन व्यतीत करना असंभव है। चलिए आप, थैंक यू, आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।